हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन्स क्रिएशन, माई सेल्फ अमरीन। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द ट्यूटोरियल ऑफ 3 अमेजिंग ईद डेकोरेशन DIY, जिसको बनाना इजी है। एक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसकी स्टेप्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप भी इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कंप्लीट ईद डेकोरेशन किया है, जिसमें टेबल एंड वॉल इंक्लूड है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड इट। फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ टॉय बाइक ले ली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप परचेज ज़रूर कीजिएगा इस DIY को बनाने के लिए। नेक्स्ट मैंने एक मोबाइल बॉक्स यूज़ किया है, जिसको मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर कर लिया था। नेक्स्ट हमें कुछ बाम्बू स्टिक्स चाहिए, जिसे मैंने कट एंड कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिया है सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से। नेक्स्ट मैंने इन स्टिक्स को बाइक पर भी स्टिक कर दिया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको सिंपली ग्लू की 1 or 2 ड्रॉप लेनी है एंड स्टिक को उसके ऊपर 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है एंड डन। नेक्स्ट मैंने गोल्ड एक्रेलिक स्प्रे पेंट लिया है एंड इसके दोनों फेस को अच्छे से पेंट किया है। पहले फेस को अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद सेकंड फेस को पेंट करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं वाइट ग्लू की हेल्प से। यहाँ पर मैंने ग्लिटर शीट यूज़ की है, सिंपली मैंने इन एलिमेंट्स को शीट पर ड्रॉ किया था एंड कट कर लिया था। कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पर सिलिकॉन ग्लू यूज़ किया है, आप वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ डेकोरेट किया है फ्लावर से। आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं। एंड लास्ट में मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से। इसी के साथ हमारा फर्स्ट DIY कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड DIY, फैन वॉल डेकोर, जो कि हमारा सेकेंड DIY है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर A3 साइज शीट ली है, जिसका साइज 30x42 सेंटीमीटर होता है। तो मैंने यहाँ 1 राउंड शेप फैन बनाने के लिए 3 स्ट्रिप कट की हैं 30x10 सेंटीमीटर की। मैंने यहाँ फर्स्ट स्ट्रिप ले ली है एंड कुछ इस तरह से मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हमें 1 by 1 सेम स्टेप्स बची हुई दोनों स्ट्रिप्स के साथ भी करना है।
तीनों स्ट्रिप्स में मैंने सेम पैटर्न क्रिएट कर लिया है एंड इनको आपस में जॉइन कर दिया है कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ एक फैन को कंप्लीट आपके सामने क्रिएट करके बताया है। आपको यहाँ 6 फैंस बनाना है सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। यहाँ पर हमें 6 फैन बनाना है। 6 में से 2 लार्ज हैं जिनका साइज़ 30x12 सेंटीमीटर है। 2 मीडियम साइज़ के बनाना है जिनका साइज़ 30x10 सेंटीमीटर है एंड 2 स्मॉल बनाना है जिसका साइज़ 30x8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें सारे फैन को गोल्ड एक्रेलिक पेंट से अच्छे से पेंट करना है। एंड लास्ट में मैंने कुछ इस तरह से इन फैन को डेकोरेट कर दिया है। इसी के साथ हमारा सेकंड DIY कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ एक ग्लास ले लिया है एंड एक बाउल ले लिया है। मेरे पास ये ब्रेकेबल बाउल था, मैंने वही यूज़ किया है। मैंने इन दोनों को आपस में सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरह से जॉइंट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने दोनों साइड कॉर्नर पर मास्किंग टेप पेस्ट कर दिया है कुछ इस तरह से एंड पूरे आउटर पार्ट पर वाइट ग्लू स्प्रेड कर दिया है। नेक्स्ट हमें गोल्डन ग्लिटर डस्ट को कुछ इस तरह से स्प्रिंकल एंड स्प्रेड करते जाना है ओवरऑल। कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद एक्स्ट्रा डस्ट को रिमूव कर देंगे एंड मास्किंग टेप को भी रिमूव कर देंगे। एंड लास्ट में एक कोट वार्निश का अप्लाई करके कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। इसी के साथ हमारा थर्ड DIY भी कम्प्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द डेकोरेशन पार्ट। आई होप आज का मेरा ये ईद डेकोरेशन DIY आप सबको अच्छा लगा हो। इफ़ येस डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ईद डेकोरेशन का Part 2 वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Thank you.